आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। देश भर में चुनावी महोत्सव मनाया जा रहा है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। पहले चरण का मतदान जारी है। ऐसे में मतदाता बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इसी बीच दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे ने भी वोट दिया। ज्योति आमगे अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंची। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि ज्योति किस तरह से मतदान के लिए उत्साहित दिखाई दे रही हैं। मतदान के बाद ज्योति ने देश के सभी लोगों से वोट डालने की अपील भी की है। पूरे वोटिंग बूथ में वो चर्चा का विषय बनी रही और इसके बाद अब वो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही हैं। उनकी काफी तारीफ हो रही है। वोट डालने के बाद उन्होंने लोगों के लिए संदेश भी दिया। क्या कहा उन्होंने आपको भी सुनवा देते हैं। ज्योति ने नागपुर लोकसभा सीट पर मतदान किया है। यहाँ मुकाबला बीजेपी के नितिन गडकरी और कांग्रेस के विकास ठाकरे के बीच है। नितिन गडकरी मौजूदा केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री हैं और वो लगातार दो बार इस सीट से सांसद भी रह चुके हैं और इस बार हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि देश भर में अभी चुनाव चल रहे हैं और 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होने हैं और आज 21 राज्यों में 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।